हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंकिता किचन। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी नूडल्स। इसके लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है। ये हमने लिया है मैगी नूडल्स, एक पैकेट लिया है। मैंने दो मीडियम साइज के प्याज और एक हरी मिर्च काटकर बिल्कुल बारीक काट लिया है। दो छोटे साइज के मैंने टमाटर काट लिए हैं। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, आपने मैगी तो बहुत तरीके की खाई होगी। आपने किसी ने सूखी मैगी बना के खाई होगी, किसी ने वेजिटेबल्स के साथ, तो किसी ने पानी के साथ। तो आज हम सबसे स्पेशल तरीके से मैगी बनाएंगे, मैगी फ्राई करके। तो देखिए कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। हम इसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। दोस्तों, मैगी कई प्रकार से बनाकर खाई जा सकती है। घर में जैसे आप चाहे जिस तरीके से बना के खा सकते हैं, जिसको जैसा पसंद हो उस तरीके से आप बना के खा सकते हैं। हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी राई, राई को थोड़ा कटकने के लिए। अगर आप मैगी बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की मैगी है। ये हम घर में कई बार बनाते हैं और सभी को हमारी ये मैगी इस तरह से बनाकर खाना बहुत पसंद है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारे प्याज भून रहे हैं थोड़ा सा। इनको भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, उसके बाद डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले। हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, इन्होंने थोड़ा सा कलर हल्का हल्का कलर ब्राउन हो गया इनका। अब हम इसी में डालेंगे कुछ मसाले। हमें ज्यादा बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं फ्रेंड, हमें थोड़े बहुत मसाले डालने हैं। ये देखिए मैं आपको डाल के बताती हूँ। मैंने करीबन एक पिंच लिए ये हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून लिया है मैंने मिर्च पाउडर का, 1 टेबल स्पून दिया मैंने धनिया पाउडर। तो ये हम इसी के साथ ऐड कर देंगे। इसी में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक फ्रेंड्स हम थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए मैं एक चुटकी भर नमक डाल रही हूँ अभी इसमें, ताकि हमारे जो मसाले हैं इसमें इसका टेस्ट अच्छे से आए। अब हम डाल देंगे इसमें ये टमाटर बारीक कटा हुआ था हमारे पास। हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम डालेंगे मैगी नूडल्स। मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ कर डाल देंगे। मैगी नूडल्स के अंदर गाइस ये मसाले भी इसी के अंदर आते हैं, तो हम ये जो मसाला है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी मैंने करीब 2.5 गिलास के अंदर पानी लिया था। गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये पानी वाली मैगी बिल्कुल अलग तरीके से है, ये पसंद नहीं आएगी। तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। परिवार में भी सबको बना के खिलाइएगा, सबको अच्छी लगेगी ये मैगी। एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल हाई है। हमने ये 4 टुकड़े मैगी के लिए थे, तो हम ये 4 मसाले के पाउच डालेंगे इसमें, मैगी मसाला के पाउच। से हम एक एक करके सबको डाल देंगे। हमने सारे मैगी मसाला पाउच इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको एक बार चला देंगे और इसको इसी तरह हाई फ्लेम पर थोड़े टाइम के लिए
इसी तरह पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बनकर तैयार हो गई है पानी वाली मसाला मैगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर इस तरह से आप मैगी बनाकर खाएंगे बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।